प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि आज हम यहाँ पे आपके सम्मुख खड़े होने पाए, और इस चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों में उसके वचन को फैलाने वाले हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस नाम का जो सब नामों में आला है, जिसको हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमें शांति, आनंद, इत्मीनान, चंगाई और हमें जिंदगी देता है। उसी नाम में आप सभी का स्वागत है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर के इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है ग्रेस ऑफ गॉड। फिजर मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, फॉर प्रेशियस टू हिज टू मी। डांस डांस जीसस लव्स यू, dance dance Jesus loves you, dance dance Jesus loves you, for precious to is to me. Sing sing Jesus loves you, sing sing Jesus loves you, sing sing Jesus loves you, for precious to is to me. Clap clap Jesus loves you, clap clap Jesus loves you, clap clap Jesus loves you, for precious to his to me. Praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर का एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु के सामर्थी, परमेश्वर के सेवक के द्वारा परमेश्वर के सामर्थी वचन को हासिल करेंगे, जो मेरे पिता भी हैं और आपके पासबान भी हैं, पास्टर सिसिल न्यूटन के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मंगलवार की खूबसूरत सुबह में हम आप सभी देखने वालों का खैर मकदम करते हैं खुदावन के अब्दी जलाली और कयूम नाम में। हम खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम लेकर आए, हमारा सलाम आप तक पहुंचे, और हम चाहते हैं कि आज जब हम लोग बातचीत करें और जब हम लोग खुदा के नाम को आपके बीच में बांटें, तो खुदावन आपको और मेरे को बहुत बरकत दे। खुदावन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कुछ लोग आज बरकत पाए, मैं चाहता हूँ सब बरकत पाए और सब अपनी उन तकलीफों से, उन मुसीबतों से, बीमारियों से छुटकारा पाएं, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए थोड़ी देर के लिए, जब हम गुज़श्ता हफ्तों में आपसे बातचीत कर रहे थे और हमने एक बात पर निगाह डाल रहे थे, और वो था इफ़सियों का पांचवा बाब और उसकी दसवीं आयत में कि तजुर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। और आपने देखा होगा ये बीते हुए हफ्ते में कि खुदावन के इस इन अल्फाजों में खुदा ने आपको बहुत बरकत दी होगी। मेरा टॉपिक ये चला आ रहा है, और फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा ये टॉपिक चलता रहेगा और इस टॉपिक का नाम हमने रखा है पसंदीदे खुदा। याद रखिएगा, इस ये सीरीज हम जो बना रहे हैं इसे कहेंगे पसंदीदे खुदा, यानी खुदा को पसंद आने वाला। हम दुनिया में बहुत से लोगों को पसंद आते होंगे, शायद मैं और आप अपनी बीवी को पसंद आते होंगे, शायद हमारी बीवी हमें पसंद आती होगी, हमारे बच्चे हमें पसंद आते हैं, हम बहुतों की निगाह में अच्छे लगते हों, लेकिन आज ये बात गौर तलब है, क्या आप खुदा को पसंद हैं? क्या खुदा आपको पसंद करता है जिस तरह उसने यीशु मसीह को पसंद करा? और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा को पसंद आया। आज वही बात आपके जहन में डालना चाहता हूं कि हम खुदा के लोग हैं और हम वो काम करें जो खुदा को पसंद आते हैं। तो आज सबसे पहले खुदा को पसंद आने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए उसको आज हम फॉलो करें। हम बहुत सी चीजों को फॉलो करते हैं, मैं कुछ बातें आपको हर हफ्ते बताता रहूंगा कि आप इन बातों को फॉलो करें तो आप खुदा को अच्छे लगेंगे। जैसे कि इब्रानियों का पहली चीज, आज इब्रानियों का 11 बाब और उसकी छठी आयत में ऐसे लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अब आपको तो मालूम हो गया होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को पसंद आए तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में ईमान को रखना है और ईमान डगमगाना नहीं है। बाइबल बताती है बहुत से लोगों ने ईमान तो रखा लेकिन ईमान की हिफाजत नहीं कर पाए, और बगैर ईमान के हम खुदा को पसंद आ ही नहीं पाएंगे। आप कितने ही बाइबल पढ़ते हो, आप कितने ही उम्दा गीत गाते हो, आप कितने ही अच्छे कलाम के देने वाले हो, लेकिन अगर आपका ईमान पुख्ता नहीं है तो मुझे कहने दीजिए
कि आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे। शायद आपके बोलने से बहुत से लोग मुतासर हो जाएं, शायद आपके गीत गाने से बहुत से लोग आपके फैन हो जाएं, लेकिन ईमानदार आदमी खुदा को अच्छा लगता है। क्योंकि बाइबल में एक आयत लिखी है, जबूर 101 उसकी छठी आयत में लिखी है, खुदा का कलाम यूं फरमाता है, मेरी निगाह मुल्क के ईमानदारों पर लगी रहेगी। ये बात बड़ी गौर तलब है। खुदावन ने ये बात अपने बंदे से लिखवाई और उसमें बड़े अच्छे लफ्जों में ये लिखा है, मेरी निगाह मुल्क के ईमानदारों पर लगी रहेगी ताकि वो मेरे साथ रहें। अगर आप ईमानदार हैं, आप अपनी जिंदगी में ईमान को एक खास चीज बना के रखते हैं, तो मुझे कहने दीजिए कि आप खुदा की निगाह में बने रहेंगे। ईमानदार लोग खुदा की निगाह में, बेईमान लोग खुदा की निगाह में नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में ईमान है, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद होना, उसे पसंद आना नामुमकिन, या हिंदी में कहते हैं अनहोना है, वेरी इम्पॉसिबल मैटर कि हम खुदा को पसंद आए बगैर ईमान के। आप लाखों रुपया लेके जाएं, आप करोड़ों रुपया लेके जाएं, आप बहुत कद्दावर हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा कहने में कि वो खुदा को पसंदीदा नहीं है। और ईमान कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि ईमानदार लोग खुदा के साथ रहेंगे, बेईमान खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। हम जो ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक मेरी बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। वाय? क्योंकि उनका ईमान पुख्ता नहीं है। हमारे पास पतरस वाला ईमान है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पतरस ने कहा, आए खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पे चल कर आऊं, देखिएगा, और यीशु मसीह ने कहा ठीक आ जा, तो चलने लगा। लेकिन जब पानी की लहरें देखी तो वो डर गया, उसका ईमान डगमगा गया, और जब ईमान डगमगाया तो वो डूबने लगा। आज बहुत सी दुनिया के लोगों में यही कमी है कि वो ईमान तो रखते हैं लेकिन वक्त पर उनका ईमान डगमगा जाता है। आप खुदा के लोग हैं और आपको ईमान में मजबूत होना है। चाहे कैसी ही मुसीबत दरपेश आए, चाहे कैसे ही मसले आपकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन आपने अपने ईमान पर बने रहना है। देखिएगा, मैं आपके साथ एक आयत को बांटना चाहता हूं। आप कहेंगे ये ईमान कैसे, हम कैसे हासिल करें ईमान? भाई हमने तो एक लाइन सुनी है कि देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए तो वह हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, दुनिया में बहुत से लोग पता नहीं किस किस चीज पर विश्वास करते हैं। हम इस हिंदुस्तान देश में रह रहे हैं और यहाँ पे तो ये कहावत मशहूर है कि मानो तो पत्थर ही भगवान है। मैं ऐसे विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं ऐसे विश्वास की बात कर रहा हूं जो कि जीवित हो, क्योंकि ईमान जिंदा है, मुर्दा नहीं है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो मुझे कहने दीजिए कि हमेशा की जिंदगी आपके हाथ में है। खुदा बाप ईमानदार लोगों से बात कर रहा है आज की तरह। अगर आप खुदा को पसंद आना चाहते हैं तो आपको ईमान में मजबूत होना पड़ेगा। आपका ईमान हवा की लहरों से डगमगा ना जाए, आपका ईमान पानी के थपेड़ों से डगमगा ना जाए, आपका ईमान किसी गुर्बत से डगमगा ना जाए। एक औरत खुदा पर बहुत ईमान रखती थी और खुदा के कौम की थी, तभी तो खुदा ने एलिया से कहा था, मैं तुझे सारपत शहर में भेज रहा हूं, वहां पे एक बेवा के पास, वो तेरा ख्याल करेगी। और जब वो उस बेवा के पास पहुंचा तो कलाम इस बात का शाहिद है, उस औरत ने कहा मेरे घर में आखिरी रोटी है। जब एलिया ने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, उसने कहा मैं लकड़ी बीनने आई हूं, जाऊंगी रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, क्योंकि आखिरी रोटी है, उसके बाद हम मर जाएंगे। अब देखिए मैं आपको ईमान की बात बता रहा हूं। जब एलिया ने उससे कहा, खुदावन के हयात की कसम खिला के कहता हूं, जब तक आसमान से दोबारा जमीन पर पानी नहीं बरसेगा तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा, ये था ईमान। वो गई रोटी बना के ले, इसे ईमान कहते हैं। और बाइबल में लिखा है ऐसी औरत खुदा को पसंद आई, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन सी बात है। भाई और मेरी बहन, उस औरत की तरह ईमान रखिए आप, आखिरी रोटी भी खुदा के खादिम को दे दी इस ईमान के साथ, ये खुदा का खादिम कह रहा है तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा। और बाइबल में लिखा है 3.5 साल तक तो मरी नहीं वो, ना वो मरी ना उसका बेटा मरा, बेटा और माँ ही नहीं, सारा कुंभ खाने आ गया,
और मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा भी कहता होगा ये भैया पराठे की खुशबू कहां से आ रही है, क्यों कह रही थी मेरे मटके में एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में तेल है, तेल इसलिए होता था कि वो रोटी पे लगाते थे पकाते हुए, और जब तेल लगता है तेल की खुशबू दूर तक जाती है। उसके ईमान ने उसे मरने नहीं दिया। क्या आपका ईमान ऐसा है? थोड़ी देर के लिए सोचिए आप कैसे वाले ईमान पर है। क्या आपका ईमान ऐसा है कि सब तरफ अकाल पड़ा है? इस औरत के भी जीवन में अकाल था, लेकिन एलिशा के टाइम में भी अकाल पड़ा, और एलिशा कह रहा था कल लोग खाना खाएंगे, लोगों को अनाज मिलेगा। तो वो आदमी कहने लगा जो सेनापति था, अगर आसमान के झरोके भी खुल जाए तो ये नामुमकिन सी बात है। एलिशा ने कहा बेटा लोग तो खाएंगे लेकिन तू खाने नहीं पाएगा, और ऐसे हुआ अगले दिन लोगों को अनाज मिला और वो आदमी जान से मर गया क्योंकि वो ईमान नहीं लाया। बाइबल बताती है और बाइबल में लिखा है लूका के पहले बाब में, मुबारक है वो जो ईमान लाए। आज खुदावन ऐसे लोगों को मुबारक कहना चाहता है जो ईमान लाते हैं। ऐसा वाला ईमान नहीं कि जब तक मैं उसके छेदों में उंगली ना डाल लूं, जब तक मैं उसके हाथ के छेदों में उंगली ना डाल लूं तब तक मैं कैसे मान लूं। उसी वक्त यीशु मसीह जाहिर हुआ और कहने लगा आए थोमा देख, तो थोमा कह रहा है खुदा बाप मैं मानता हूं तू खुदा है, कह रहा तू मुझे देख कर ईमान लाया। मुबारक वो लोग हैं जो बगैर देखे ईमान रखते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान है क्या? अनदेखी चीजों का मजमुआ है। बहुत से लोग अमरीका नहीं गए लेकिन इतना मालूम अमरीका है, यही तो ईमान है। और खुदा बाप यही चाहता आपकी जिंदगी से कि आपके पास ऐसा वाला ईमान हो, और बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। और मुबारक है वो जो ईमान रखता है, क्योंकि खुदावन की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो बेतासीर नहीं होंगी। अगर आप ईमान रखेंगे तो कोई भी बात जो खुदावन आपके लिए कह रहा है वो कभी अधूरी नहीं रहेंगी, क्योंकि खुदावन सारी बातें हाँ और आमीन के साथ पूरी करता है उनके लिए जो ईमान रखते हैं। देखिए उस औरत ने जो कि कुछ नहीं थी, हाँ एक हो सकता है विश्वासी औरत थी, लेकिन मैं तो उस आदमी की बात कर रहा हूं जो सरदार का ही ने लोगों ने उसको इस ओहदे पे देखा है, और हर साल एक बार कुर्रा डालने पर इसका नंबर आया कि यह कुर्बान गाह पे जाए और खुदा के आगे कुर्बानी चढ़ाए। अब देखिए लोग कुर्बान गाह जहां होती थी वहां जो सरदार कायम जाता था उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता था, और कोई भी एंटर होता था वो जान से मर जाता था। देखिए इसको इतना बड़ा लकब मिला, इसको इतनी बड़ी इज्जत मिली, कहां से मिली? खुदा से। अभी देखिए आगे बताना चाहता हूं, इसको इतनी बड़ी इज्जत मिली जब ये कुर्बान गाह पे कुर्बानी चढ़ा रहा था तो जबराइल फरिश्ता कुर्बान गाह के देने हाथ पर आके खड़ा हो गया और कहने लगा जकरिया तेरी दुआएं खुदा के हजूर पहुंची है, तेरे हाँ बेटा होगा। अब बताइए सरदार का मानो क्या कह रहा है, मैं कैसे मान लूं मेरी औरत बांझर मैं बुड्ढा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ईमान नहीं लाया। जबराइल फरिश्ते ने कहा मैं खुदा के हजूर में खड़ा रहता और खुदा ने मुझे भेजा है, चूंकि तूने यकीन नहीं करा इसलिए जब तक बेटा नहीं होगा तेरे तेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा। गूंगा बन गया क्योंकि वो ईमान नहीं लाया। आज भी बहुत से लोग जो खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, खुदा को एक सिर्फ वक्ती खुदा मानते हैं, मतलब का खुदा मानते हैं, जरूरत पूरा करने वाला खुदा मानते हैं। मजा तो वो है कि जब घर में कुछ भी ना हो तब भी खुदा के ऊपर आसरा लगाए रखे। आप मजा तब है जब सातों बेटे मर जाएं, तीनों बेटियां मर जाएं, घर खत्म हो जाए, सारे खेत खलिहान खत्म हो जाए, तब भी कहें उसी ने दिया उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक है। इसे ईमान कहते हैं, और ऐसे लोग खुदा को पसंद आते हैं। शैतान आसमान पे गया, खुदा ने कहा है कहां से आ रहे हो, कह रहे जमीन का चक्कर काट के आ रहा हूं, तो खुदा ने एक ही बात कही क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा? हो हाउ इट इज ग्रेट थिंग, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि एक दिन खुदा बाबा मेरे लिए भी यही बात कहे, मुझे भी और अच्छा लगेगा जब यही बात खुदा आपके लिए कहे। आप ईमान में इतना पुख्ता हो कि शैतान भी आपको हाथ लगाते हुए डरे, क्योंकि शैतान ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, तूने घेर रखा है। उसने कहा ठीक है मैं अपना सारा बाड़ा हटा लेता हूं, देख उसका ईमान। शैतान ने उसके हालात यह कर दिए कि उसका जिस्म फफोलों से भर गया और वो ठीक रहा लेकर खुजाता था राख पे बैठकर, लेकिन तब भी एक बात कह रहा था। अगर आपने पढ़ा हो अय्यूब के 19 बाब की 25वीं आयत में, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। देखिएगा जब आप आईसीयू में हो
जब आप वेंटिलेटर पे हो, 6 बार मैं वेंटिलेटर पे जा चुका हूँ साइलेंट हार्ट अटैक पर, लेकिन खुदा ने आज तक मुझे जिंदगी दी है। अगर आप ईमानदार हैं तो मौत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप बाइबल लिखा है राजबाज आदमी अपने ईमान से जिंदा रहेगा। डॉक्टर की दवाइयों से नहीं जिंदा रह सकते आप अच्छे खाने से जिंदा नहीं रह सकते, आप अच्छी कुव्वत से जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप जिंदा रह सकते दुनिया में तो सिर्फ ईमान से। मेरा धर्मी जन ईमान से जिंदा रहेगा। आप धर्मी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम ए राइटियस फेलो। जब आप धर्मी जन बन जाएंगे और आपका ईमान पुख्ता होगा, कैसा वाला ईमान? इब्राहिम से कहा गया, इब्राहिम 22वें अध्याय में लिखा उत्पत्ति के, इब्राहिम मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, कहना खुदा बाप 100 साल की उम्र में तूने मुझे बेटा दिया, आज तू मुझसे 13-14 साल के बाद कह रहा है मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों? लेकिन बाइबल ने लिखा वो जानता था, उसने वायदा करा है कि मैं तेरी औलाद को रेत के जर्रों की तरह बनाऊंगा, मैं तेरी औलाद को सितारों के मानिंद बनाऊंगा। और इब्राहिम ने ईमान रखा और अगले दिन अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने चला गया। इसे ईमान कहते मेरे भाई। और जब आपका ईमान ऐसा हो जाएगा तो आप खुदा को अच्छे लगे। जितने लोग खुदा को अच्छे लगते हैं खुदावन उनका ख्याल रखता है। मालूम एक दिन 3 लड़के क्या कह रहे थे, तू हमें आग के पट्टे में डाल दे भाई राजा, लेकिन हम जानते हैं जिस खुदा की हम इबादत करते हैं उसमें छुड़ाने की कुव्वत है। इसे ईमान कहा जाता है। मौत सामने खड़ी है और आप उस टाइम भी कह रहे हैं खुदा मुझे बचा लेगा। मैं 4 सितंबर 2014 में जब डेथ बेड पर था, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरे बिशप साहब भी मेरे पास आए थे, उनकी आंखें भी नम थी, लेकिन मुझे मालूम था नहीं नहीं नहीं, खुदा उन मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। और आज मैं खुदा का बंदा आपके सामने खड़ा हूँ। मालूम है क्यों? आप ईमान में बने रहे, आपका ईमान आपको मौत के मुंह से निकाल लाएगा, आपका ईमान आपको गुर्बत में से निकाल लाएगा, आपका ईमान आपको दलदल में से निकाल लाएगा, आपका ईमान आपको काक के भट्टे में से निकाल लाएगा, आपका ईमान आपको शेरों की बांध में से निकाल लाएगा। सिर्फ ईमान रखिए। आपका ईमान शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हो, आपका ईमान दानियल की तरह हो, आपका ईमान यूसुफ की तरह हो, आप बचा ले जाएंगे और आप खुदा को अच्छे लगेंगे। दानियल खुदा को पसंद आया क्योंकि दानियल खुदा पे ईमान रखता था। कैसा वाला ईमान? अब ये नहीं कि हाँ यीशु मसीह है, हमारे घर में यीशु मसीह की फोटो लगी है, हमारे घर में यीशु मसीह की सलीब लगी है, नो, ऐसा वाले ईमान की बात नहीं कर रहा हूं। खुदा उन यीशु मसीह ने सलीब को गले में लटकाने के लिए कहीं नहीं कहा है कि सलीब को पहन लो, कहीं नहीं लिखा है। बाइबल लिखा है और कोई मेरे पीछे आना चाहता है और अपनी सलीब ना उठाए तो मेरा शागिर्द कहलाने के लायक नहीं है। खुदावन ऐसे का ईमान देखना चाहता है। दानियल ने अपनी सलीब उठाई, उस जमाने में सलीब नहीं थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है दानियल अगर यीशु मसीह के जमाने में होता तो यही बात होती, उसने अपनी वह दुख वाली सलीब उठाई। मालूम कैसे? दानियल से कहा गया कि 30 दिन तक कोई भी अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा, लेकिन दानियल खुदा पे ईमान रखता था, उसने 30 दिन खुदा से दुआ करी। 31वें दिन में यूं लिखा है उसे उठा के शेरों की मांद में डाल दिया, और बाइबल शाहिद है कि शेर ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, एक शेर ने, कई शेरों ने। क्यों? क्योंकि दानियल खुदा को पसंद आया। अब आप जानना चाहेंगे कि हम क्या करें, ईमान से हमें क्या फायदा होगा? दूसरा इतिहास 20वें बाप की 20वीं आयत में लिखा है, मेरी सुनो, खुदावन अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। इफ यू वॉन्ट टू बी स्टेबल इन योर लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू बी स्टेबल इन योर फैमिली, इफ यू वॉन्ट टू बी स्टेबल इन योर रिलेशनशिप, if you want to be stable in your office, if you want to be stable in your friendship, it is very necessary you keep faith upon the almighty god. agar aap khuda par iman rakhenge aap qaim kiye jayenge. galti to yahi hai, hum sona chandi heere moti par iman rakhte hain aur sochte hain ye hame bacha lega, ye hamare kaam aayega, ye hamare kaam aayega. aapko pata hai ek aadmi ne apne rupaye pe itna iman rakha aur kehne laga, ai meri jaan chain kar kha pi aur sukh se rahe kyunki tere paas bahut barson ke liye dhan sampatti hai. lekin wo bhool gaya, aasman se awaaz aayi, ai bekuf teri jaan to aaj hi raat mein le li jayegi. kahan gaya uska rupaye pe jo isne iman rakha tha? kyunki aaj bhi aapko ehsaas dilana chahta hu, आप करोड़ों के मालिक हो सकते हैं लेकिन जब मौत पर खड़ी होगी तो करोड़ों रुपया भी आपका काम नहीं आएगा।
उस वक्त आपका खुदा आपके काम आएगा। अगर आपका ईमान खुदा पे होगा तो धन तो नहीं बचा पाएगा, खुदा आपको बचा लेगा। कहां गया उसका ईमान जब दाऊद के सामने खड़ा था? देखिए दाऊद का ईमान, दाऊद का ईमान देखिए। वो कह रहा था जिस खुदा ने मुझे शेर के हाथ से, जिस खुदा ने मुझे रीछ के हाथ से बचाया, आज वही खुदा मुझे इस आदमी के हाथ से बचाएगा, इस नामखतून के हाथ से बचाएगा। और ऐसे ही हुआ, दाऊद का ईमान काम आया। ईमान दाऊद खुदा को पसंद आया, क्योंकि दाऊद ने कहा था जिस खुदा ने मुझे, जिस खुदा ने मुझे। आज आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं मेरे रुपए से काम हो गया, मेरी ताकत से काम हो गया, मेरी अकल से काम हो गया, और ये सब चीज़ें मसरूवी हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन खुदा ना तो कभी ख़त्म हुआ है और ना कभी ख़त्म होगा। जब आप कहेंगे मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, दाऊद को खुदा ने बचा लिया। दानियल कह रहा था ना नबूकदनेस्सर से, तू बहुत अकलमंद है। नहीं नहीं, अकल कुछ नहीं कर सकती। राजा नहीं माना, उसे अपनी अकल पर बहुत भरोसा था, और अपने महल की छत पर खड़े होकर कहने लगा ये बाबुल आजम हमने अपनी हिकमत से बनाया। उसका ये कहना था, आसमान से आवाज आई, आए राजा नबूकदनेस्सर, बादशाह तेरे हाथ से निकल गई, लोग तेरे को हाँक कर करने वो निकाल देंगे। ये अकल का ईमान उसका कहाँ काम आया? 7 दौर गुजर गए और वो जानवर बना रहा। 7 दौर के बाद उस पर अकल आई, तब उसने कहा आसमान का खुदा ये अफजल खुदा है। तो राजा फिर जैसे हो गया। जब आप उस खुदा पे ईमान रखते हैं जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है, आप जानवर से इंसान बन जाते हैं। अगर आप ईमान नहीं रखेंगे तो आप इंसान से जानवर बन जाएंगे। खुदा पर ईमान रखिए। खुदावन आपको कब्र में से निकाल के बाहर खड़ा कर सकता है, क्योंकि खुदावन अपने दोस्त की बहन से कह रहा था, लाजर उसका दोस्त था, उसकी बहन मार्था से कह रहा था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। खुदा का जलाल उसी को दिखता है जो खुदा को पसंद आता है, और खुदा को वो पसंद आता है जो ईमान रखता है। आप ईमान रखते हैं तो जरूर है खुदावन अपना जलाल आपको दिखाएगा। खुदा के जलाल को देखिए, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। और मालूम ये ईमान कहाँ से मिलता है? ये ईमान माँ के पेट में से तो आता ही नहीं है। अगर कहीं बाइबल में लिखा तो बता दीजिए। बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना कहाँ से? टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्धू बक्से की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। और यूँ लिखा है सुनना खुदा के कलाम से। जब आप खुदा के कलाम को तरजीह देने लगेंगे, जब आप खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देने लगेंगे, तो आपकी ज़िंदगी एक ईमानदार ज़िंदगी बन जाएगी। और ईमानदार लोग खुदा को अच्छे लगते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आप खुदा को अच्छे लगें, ताकि आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और भाई लिखा है, अच्छा अब मैं आपको बताना, अभी मैंने कहा सुनने से ईमान पैदा होता है। अब जो ईमानदार हैं, जो ईमान रखते हैं, उन्हें क्या करना है कि मालूम हो जाए ये ईमान वाला है? देखिए मरकुस रसूल की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 16वीं आयत को आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा। वहाँ पर यूँ लिखा है, और ईमान लाने वाले के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कोई नुकसान ना होगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, अच्छे हो जाएंगे। जो ईमान रखता है, इसकी आपको ईमान रखने के लिए क्या करना है? इसकी 16वीं आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। इट्स मीन अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आपको पानी के अंदर डुबकी लगा के पानी में से बाहर निकलना है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वही नजात पाएगा। आप खुदा के लोग हैं, आपके माँ बाप ने बचपन में आपका बपतिस्मा कराया होगा। वो बपतिस्मा नहीं, डेडिकेशन था। बपतिस्मा मतलब अपने गुनाहों को मान लेना और उनको छोड़ देना और खुदा के हुजूरी माना। आप ईमानदार बन जाएंगे। और कलाम में लिखा जो ईमान नहीं लाएगा, और लिखा जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और मुजरिम की जगह आग और गंदक की झील है। समझ में आ गया होगा आपके, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आइए आपके लिए दुआ करें। आपने सुना है कि आपको ईमान की बहुत असल जरूरत है। हालेलुया, खुदा बाप तेरे लोग तेरी हजूरी में खड़े हैं। आज इन्होंने ईमान के बारे में सुना है, ये ईमान इनकी जिंदगी में बना रहे। दौलत ताकत अकल इनके ईमान को डगमगाने न पाए, बल्कि दानियल की तरह बन जाएं, दाऊद की तरह बन जाएं, यूसुफ की तरह बन जाएं, हिजकिया की तरह बन जाएं, ताकि खुदावन ईमान से ही बचाए जाएं। क्योंकि राजबाज आदमी ईमान से जिंदा रहेगा। इन पर रहम कर और अपने ईमान में और आगे बढ़ा, इनके ईमान को मजबूत कर। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे,
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे है पतसा कुफिया हुना, नाम बैठे है पतसा कुफिया हुना, नाम बैठे है पतसा कुफिया हुना, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, पेजलाड़। प्रभु की महिमा में हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं हमारे तक पहुंचे, तो ये पता हम आपको बता रहे हैं जिसमें आप अपनी प्रार्थना निवेदन और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, एस 410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फोन पे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891125243।